पुलवामा में आतंकियों की कायराना हरकत में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। जवानों की शहादत को जब श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई तो माहौल गमगीन हो गया। शहीदों के गांव में हर किसी की आंखें नम हैं। इस आतंकी हमले में जवान विजय कुमार मौर्य शहीद हो गए। उनके गांव में यह सूचना मिलते ही मातम फैल गया। विजय कुमार की शहादत की खबर मिलने के बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी अपनी 1.5 साल की बच्ची को गोद में लेकर रोती रही। पति की मौत को लेकर लक्ष्मी भी आक्रोश में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शहीद के पिता को अपने बेटे पर गर्व है और यह भी बताया कि 8 फरवरी को वे छुट्टी पर आए थे और 9 फरवरी को वापस लौट गए। उन्होंने बताया कि विजय अपने 3 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।